प्रिपरेशन कैसे चल रही है? कुछ चल भी रहा है बस ऐसे ही? बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। सर क्या बोल रहा, मैं भी ज्वाइन किया। प्रिपरेशन प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या फिर अभी प्रिपरेशन चल ही नहीं रही? सर टाइम ही नहीं है करनी तो पड़ेगी। सर, मेरे तो जितना में होता है उतना ही हो पाता है, उसके अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्यों, आप ऐसा क्या करते हो? सर कॉलेज भी तो मेरी सुबह कॉलेज और कोचिंग ही मिला के सुबह 9 से 6 बजे तक रेगुलर क्लासेस होती है, फिर उसके फिर बाद इंटर्नशिप भी है तो उसका भी काम रहता है। तो भी मेरे देखो पास, थोड़ा हाँ सर थोड़ा सा टाइम आप करती हूँ, और पुरानी वीडियोस भी मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही, मैं बैठ के वही टाइम मिलता है तो। देखो, करना तो पड़ेगा। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी चीजों से आजाद हो जाओगे, उतनी जल्दी तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी। करना तो पड़ेगा ही। सर इसके डाउट क्लास कब लोगे सारे टॉपिक्स की, तो मैं तभी कर लूंगी ना सारा। नहीं, आप करते रहो। देखो हमारे पास ना मैथ में क्या होता है, हर एक चीज, अब एक चैप्टर है परसेंटेज, तो उसमें ऐसा नहीं होगा बस परसेंटेज के क्वेश्चन है, उसमें रेशियो भी होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी होगा। तो जब हमारे पास ये तीन चैप्टर हो जाएंगे ना, परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर एंड एलिगेशन, तब आपके जितने भी डाउट है ना वो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभी जितने भी डाउट है मुझे पता है वो सब इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो वो एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ये अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। सर वो जो आपने वर्कशीट नहीं दी थी हमें परसेंटेज की, उसमें ना हाँ वो डेप्रिसिएशन वगैरह, मतलब अलग तरह के क्वेश्चन है जो इसमें पीपीटी में आपने नहीं कराए। जो अलग तरह के हैं ना, वो या तो रेशियो बेस है या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो उन क्वेश्चंस को आप तभी कर पाओगे जब हमारे पास रेशियो एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में सब कुछ आता है। तो वो छोड़ दें अब? आप बस, मैंने आपको बताया जो था, आप ओनली परसेंटेज वाले क्वेश्चन करो। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चंस के नीचे स्मार्ट सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें ना सॉल्यूशन आपको कहीं कहीं कुछ इस टाइप से भी मिलेंगे, तो वो आपकी समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। ये है हमारे पास एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, तो आप दुखी मत हो, मुझे पता है किस किस क्वेश्चन में डाउट आएगा, लेकिन जब हम रेशियो और मिक्सचर कर लेंगे तब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आप ये बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या था? सेवन भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तक करा था ना हमने। यस सर। अब देखो सेम जिस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करा था, सेम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। करो ट्राई। After selling 72 articles, एक मैन को 9 articles के selling price के इक्वल लॉस हुआ, तो हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? करो ट्राई। देखो चलो आप एक क्वेश्चन समझ लो, नेक्स्ट को आप ट्राई कर लो। देखो हमने कितने आर्टिकल्स को सेल करा, 72। हमने 72 आर्टिकल्स को सेल करा तो हमें कितना लॉस हुआ? 9। हमने 72 आर्टिकल्स को सेल करा, हमें लॉस हुआ 9। अब आप यहां से बस इतना बता दो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 81 72 -9 81 81 होगा। 72 -9 नहीं होगा। इसका मतलब देखो आप क्या करोगे, आपको कॉस्ट प्राइस एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिस वैल्यू में से अगर आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास 72 आए। कॉस्ट प्राइस आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिस वैल्यू में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे और आपके पास 72 आए, तो ऐसी वैल्यू क्या होगी? 81। सर भाई जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा 81 और हमें लॉस होगा 9,
तभी तो सेलिंग प्राइस 72 हो सकता है। गुड आफ्टरनून संदीप, तो ये बात समझ आई। अब देखो अगर आप इसको 72 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अब बात समझो, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम 72 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप 72 में से सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करोगे अगर यहाँ 63 आए। अब अगर आप 63 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हमारे पास 72 कभी आएगा, बताओ। अगर आप 63 करते हो और उसमें से कितना लॉस हुआ 9, तो कभी सेलिंग प्राइस 72 आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपको कितना अज्यूम करना पड़ेगा, 81। जब आप 81 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा 72। हमें यहां से लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्या होगी लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, 1/9। 1/9 कितना होगा, 11 कंप्लीट, 1/9%। बस यहां आपको इस 81 को ही समझना था। तो ऐसे मिस्टेक कभी मत कर देना कि यहां पर 63 कर दो, थोड़ा इतना भी सोचना। अगर कॉस्ट प्राइस है 63 और आपको 9 लॉस हुआ तो कभी 72 आएगा, कभी नहीं आएगा। बताओ बच्चों कोई डाउट, बोलो बच्चों कुछ तो बोलो। तो इट्स लाइक अगर यहाँ पे 63 भी हम लिख देते हैं देन अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है तो लॉस कैसे होगा, इट विल बी प्रॉफिट ना, देन दैट डजंट मेक अ कॉमन सेंस। बिल्कुल, अगर आप 63 करोगे तो फिर हमें लॉस हो जाएगा, और हमें तो एक क्वेश्चन में गिवन है कि लॉस। तो कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ 63 क्यों नहीं आया, तो इतना समझ लेना 63 आएगा नहीं। 63 पर अगर आप 9 लॉस करोगे तो वो 63 से भी कम हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करवा, एकदम सेम क्वेश्चन है 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें हुआ था लॉस, अब यहां हुआ है हमें प्रॉफिट, बताओ आंसर क्या होगा। 14 × 2/7%, 14 कंप्लीट, 2/7%। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा, बच्चों कितने टेंशन में आ जाते हो आप। 14 × 2/7, देखो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 72, हमने 72 आर्टिकल्स को सेल करा तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 9। तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 63। कॉस्ट प्राइस होगा इस केस में हमारे पास 63 होगा, क्योंकि जब हम 63 में 9 ऐड करेंगे तब हमारे पास सेलिंग प्राइस 72 आएगा, तो इस केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा 63। तो हमें फाइंड आउट करना है यहां से प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 1/7। 1/7 कितना होगा, 14 कंप्लीट, 2/7%। बताओ बच्चों यहां तक की बातें समझ आई आपको। सर ये 1/7 14 × 2/7% कैसे हुआ भाई, ये बात तो एक महीने से मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये कैसे हुआ सर, हम तो हमारी फर्स्ट क्लास है सर आज। ओके, फिर देखो 1/7 का मतलब है 100/7, यस 1/7 का मीनिंग है 100/7। 100/7 कितना होगा, 14 कंप्लीट, 2/7%। ओके सर, अब देखो यहां तक के क्वेश्चंस, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास बेसिक पर, फिर कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या होगा। एक पर्सन है वो अपने आर्टिकल को 720, वेरी गुड अंजलि। एक पर्सन है वो अपने आर्टिकल को
20% प्रॉफिट पे सेल करना चाहता है। देखो हमारे पास एक आर्टिकल है, सपोज इसका कोस्ट प्राइस है 100, एक पर्सन है वो चाहता है कि वो अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करे, कोस्ट प्राइस है 100, 20% प्रॉफिट हुआ मतलब 20, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120। उसका मन है कि वो 120 में सेल करे, लेकिन गलती से उसने क्या करा, इसको 20% लॉस पर सेल कर दिया, मतलब 80 में। गलती से उसको सेल कर दिया 80 में, और हमें फाइंड आउट करना है अगर ये इसको एक्चुअल 120 पे सेल करता तो फिर इसका प्राइस क्या होता। देखो क्वेश्चन में हमें 20% लॉस मतलब 80 की वैल्यू गिवन है 480। भाई 20% लॉस पर इसने सेल करा है 480 में, 80 की वैल्यू है 480, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 80 की वैल्यू है 480, 1 की वैल्यू होगी 6। हमें फाइंड आउट करना है अगर हम इसको 120 में सेल करें तो इसका प्राइस क्या होगा, 1 की वैल्यू है 6 तो 120 की वैल्यू कितना होगी 720। देखो यहां तक के क्वेश्चंस थे हमारे पास एकदम बेसिक, मतलब एकदम बेसिक अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो वो यही बेसिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब आप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कोई डाउट, फटाफट से चेक करो बच्चों। देखो एक बात समझो, मुझे 103 बुखार है फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और तुम एकदम शांत हो फिर भी तुम चुपचाप बैठे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे फिर भी चुपचाप। नो डाउट सर, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। हैव अ ब्रेक सर, हैव अ किटकैट। नहीं ब्रेक की जरूरत नहीं है, बस आप एक्टिव रहो। देखो आप इस क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन ये भी इजी है लेकिन अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चन है ये, करो इसको रीड। देखो इस क्वेश्चन को ना आप समझ लो बच्चों, आप ये बताओ क्वेश्चन समझ आया आपको, क्वेश्चन को देखो हमेशा आप एक बात समझो, सॉल्व तो बाद में करेंगे, सॉल्व तो इसको तब करोगे ना तब ये समझ आएगा, तो सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ आया, अब बताओ। यस सर। यस सर समझ आया, तो फिर अब एक बार आप ट्राई करो, हिमांशी आपको समझ नहीं आया तो आप समझो। हमारे पास एक आर्टिकल है उसका ना कुछ कोस्ट प्राइस होगा, हमारे पास कोई भी एक आर्टिकल है हमारे पास इसका ना कुछ कोस्ट प्राइस होगा, हमने इस आर्टिकल को 275 रुपीज में सेल करा, हमने इस आर्टिकल को 275 रुपीज में सेल करा और इस सेम आर्टिकल को हमने 800 रुपीज में सेल करा। हमारे पास एक आर्टिकल है उसका कुछ कोस्ट प्राइस होगा, इस आर्टिकल को हमने 275 में सेल करा और इस सेम आर्टिकल को हमने 800 में सेल करा, तो हमें 275 में सेल करने पर अगर 1 रुपीज का लॉस हुआ, अगर हमें x रुपीज का लॉस हुआ तो 800 में सेल करने पर इसका 20 टाइम्स प्रॉफिट होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है अगर इस आर्टिकल को हम 20% प्रॉफिट पे सेल करें तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो अगर आपको इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाए तो फिर तो आप 20% प्रॉफिट पर सेल कर ही सकते हो। अगर हमें इसका कोस्ट प्राइस मिल जाए तो फिर तो आप इसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर सकते हो,
कोस प्राइस अभी देखेंगे कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे पहले आप बताओ हिमांशु, समझ आया क्वेश्चन? हाँ, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब एक बार जिनको ट्राई करना है वो फटाफट से ट्राई करो। सर इस अंदर जो सर 275 है सर, उससे 800 में 20 टाइम्स उससे नहीं है या फिर सर कोस्ट प्राइस से है? तो सर उससे अंदर कोस्ट प्राइस से नहीं है। एक आर्टिकल का कुछ भी कोस्ट प्राइस होगा, हमने इसको 275 में सेल कर दिया और इस सेम आर्टिकल को हमने 800 में सेल कर दिया। 275 में सेल करने पर अगर हमें एक्स रुपीज का लॉस हुआ तो 800 में सेल करने पर इसका 20 टाइम्स प्रॉफिट, जितना लॉस हुआ उसका 20 टाइम्स प्रॉफिट। सर सीपी 300 आर, यस, आप इस लाइन को रीड करो। अभी देखते हैं, एक सेकंड रुको बच्चे, सीपी कितना होगा। अब देखो हमारे पास एक आर्टिकल है, आप एक थोड़ा सा सोचो, अगर हम 275 में x ऐड कर दें तो हमारे पास कोस्ट प्राइस आ जाएगा ना भाई। अगर हमने 275 में x को ऐड कर दिया तब हमारे पास कोस्ट प्राइस आ जाएगा, और सेम अगर हम 800 में से 20x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब भी हमारे पास कोस्ट प्राइस आ जाएगा। और एक अगर हमारे पास एक ही आर्टिकल है तो कोस्ट प्राइस तो सेम ही होगा। ये इक्वेशन समझ आई बच्चों? तो 20x नहीं आएगा, देखो 20 है, अब लगाया जरा आपने, वो पहले ही था। अच्छा बताओ ये इक्वेशन समझ आई? अगर आप 275 में x को ऐड कर दोगे तब हमारे पास कोस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर आप 800 में से 20x को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी हमारे पास कोस्ट प्राइस आ जाएगा, और कोस्ट प्राइस तो इक्वल ही होगा। यहां से बस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या होगी बताओ, x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 25। x की वैल्यू है हमारे पास 25, तो बस x के प्लेस पर 25 पुट कर दो। माइनस 25 और प्लस 20x कितना होगा? प्लस 500। तो सेम अब तो ये प्रोसेस है, अगर हम 275 में x ऐड कर दें तब हमारे पास कोस्ट प्राइस आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है? 25। तो इसका मतलब अगर हम 275 में 25 को ऐड कर दें तब हमारे पास आ जाएगा कोस्ट प्राइस, और सेम अगर हम 800 में से 500 को सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी हमारे पास कोस्ट प्राइस आ जाएगा 300। अब बताओ कोस्ट प्राइस क्लियर हुआ आपको? अब देखो कोस्ट प्राइस है हमारे पास 300। अब हमें फाइंड आउट करना है अगर इस 300 के आर्टिकल को हम 20% प्रॉफिट पे सेल करें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 360 का 20% कितना होगा? 60। कोस्ट प्राइस है 300, प्रॉफिट लेना है 60, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 360। बताओ बच्चों ये, हाँ जी बोलो सर, ये 20% प्रॉफिट पे किया था तब तो हमें 800 दे रखा था ना? 20% प्रॉफिट तो हमें फाइंड आउट करना है जब हम इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करें तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। सर तो 800 भी तो हमें यही दे रखा है? 800 हमें ये नहीं दे रखा, 800 में तो हमें कंडीशन दी है अगर इस आर्टिकल को हम 275 में सेल करें तो हमें जितना लॉस होगा
800 में सेल करने पर उसका 20 टाइम्स प्रॉफिट होगा, ये तो हमें कंडीशन की बात है। बच्चों एकदम क्लियर बात? अब इस क्वेश्चन को रीड करो। देखो हमारे पास एक डिसोनेस्ट शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, लेकिन वो क्या करता है 30% लेस रेट का यूज करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो इस क्वेश्चन के ना हमारे पास दो मेथड। फर्स्टली 100 केजी हम लेट कर लेंगे। हाँ जी, देखो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, ऑलवेज 100 ग्राम आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को आप 100 एज्यूम कर लो। भाई हमने एज्यूम करा, सपोज 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, अपना इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप ये बताओ अगर ये 30% लेस रेट का यूज करेगा तो ये कस्टमर को कितना देगा? 70। भाई अगर शॉपकीपर ने 30% लेस रेट का यूज करा तो उसने कस्टमर को कितना दिया होगा? 70। और कस्टमर से अमाउंट कितना लिया है उसने? टोटल 100। भाई अमाउंट तो पूरा 100 ही लिया है ना उसने, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है मैं अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे सेल करूंगा। कस्टमर को दिया उसने 70 रुपीस का आर्टिकल और कस्टमर से लिए कितना प्राइस? 100, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 30 प्रॉफिट हुआ उसको अपॉन कॉस्ट प्राइस 70 पर। 3/7 कितना होगा? 42। 6/7 समझ आया बच्चों? ये इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल देखो उसी में बता दो सर, गड़बड़ से मत करो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑलवेज 100 ग्राम आर्टिकल के प्राइस को 100 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब देखो आपने क्या करा, जो कस्टमर है उसको आपने 30% लेस आर्टिकल दिया, अगर आपने उसको 30% लेस रेट का यूज करा तो आपने उसको कितने रुपीस का आर्टिकल दिया होगा? 70 ग्राम। ग्राम अब छोड़ दे, अमाउंट बात हो रही है यहाँ, क्योंकि एक ग्राम का प्राइस है 1 रुपए, और हमने कस्टमर को दिया तो 70 रुपीस का आर्टिकल, और कस्टमर से अमाउंट कितना लिया? अमाउंट तो पूरा लिया है 100, तो बस कॉस्ट प्राइस है 70, सेलिंग प्राइस है 100, कितना प्रॉफिट होगा? 30। और प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पर। 3/7 कितना होगा? 42। 6/7%। अब समझ आया बच्चों? सर एक बार दोबारा बता दो, क्या समझ नहीं आया आपको ये बताओ। सर उसने ना 100 ग्राम की जगह उसने 70 ग्राम दे दिया। ग्राम को हटा दो, बात पैसे की चल रही है, क्योंकि 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए। अगर उसने 70 ग्राम दिया तो मतलब 70 रुपए का सामान दिया ना उसको। हाँ 70 रुपए मांग रहा है वो, 70 रुपए का सामान उसको दिया है और उससे लिया कितना है? 100 रुपीस। समझ आ रही बात? हाँ 100 रुपए उसने ले लिए, फिर
₹70 के सामान के ₹100 ले लिए उससे, तो कितना प्रॉफिट होगा? 30। ठीक है, प्रॉफिट होता किस पर? कोर्स प्राइस पर। 3/7 कितना होगा? 42। 6/7% आ गया। देखो आप इसको ये समझ लो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करो? तो ऐसे डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं, जैसे अभी 30% लेस वेट पे बेच रहा है तो ऑफ कोर्स 70% डायरेक्टली प्रॉफिट हो ही रहा है। बिल्कुल, देखो आप एग्जाम में कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जितने परसेंट लेस वेट का यूज करा है आप उसको नोट कर लो, अपॉन 100 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा? 3/7 कितना होगा? 42/6/7% जो हमने लास्ट लाइन में करा था उसको हमने स्टार्टिंग से ही कर दिया। भाई हमें पता है हमें 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने रुपए का आर्टिकल हमने उसे कम दिया है हमें प्रॉफिट भी तो उतना ही होगा, हमने उसे 30% कम दिया है तो हमें 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। कोर्स प्राइस कितना हो जाएगा? 70। एग्जाम में आए तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात समझ आई? अब देखो उतना इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा, हाँ लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें कुछ करना पड़ेगा। करो इसको ट्राई अब एक बार खुद से। ट्वेंटी परसेंट बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन में भी आप सेम करोगे, 100 ग्राम आर्टिकल का कोस्ट प्राइस है 100। 100 ग्राम आर्टिकल के कोस्ट प्राइस को आप एज्यूम कर लो 100। अब हमारे पास कितना प्राइस है? 100। देखो जब इसने सेल करा तो 44%, देखो ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपने आर्टिकल को 44% लॉस पे सेल करता हूं। हमारे पास कोस्ट प्राइस है 100, अगर ये 44% लॉस पे सेल करेगा तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? भाई ये खुद से प्रॉमिस कर रहा है ना कि मैं 44% लॉस पे सेल करता हूं। तो अगर कोस्ट प्राइस है 100 और आप इसको 44 रुपीज सेल लॉस में सेल कर रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 56। और ये कितने परसेंट लेस वेट का यूज करता है? 30। इसका मतलब कस्टमर को कितने रुपीज का आर्टिकल देता है? 70। ये बात समझ आई बच्चों? कोस्ट प्राइस है 70, सेलिंग प्राइस है 56, कितना लॉस हुआ? 14। अब लॉस होता किस पे? कोस्ट प्राइस पे। 1/5 कितना होगा? 20% लॉस। सर ये डायरेक्ट मैंने तो ऐसे किया था, जैसे 44 - 30 करके 14 आया था तो 14/70 करके मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया था, तो ऐसा हो सकता है या फिर यही सब ऐसा हुआ है? नहीं यही बस ऐसा हो गया, एक्चुअल प्रोसेस तो यही है। मैंने डायरेक्टली 44 - 30 करके जो 14 बचा देन 40 को 70 से डिवाइड कर दिया, दैट थिंग आई डिड। नहीं ये प्रोसेस ठीक है, आपके बारे में कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया आपको? बोलो कुछ बच्चों। यस सर। वेरी गुड, यस यही तो चाहिए बस मुझे। ये जो सीपी है आपने कैसे मतलब वेट वाला हो तो सीपी पे लाओ और क्या नाम है भाई, अगर आप लेस वेट दोगे तो आपका प्रॉफिट होगा ना भाई, आप 30% लेस वेट का यूज कर रहे हो तो मतलब आप कितने रुपीज का आर्टिकल कस्टमर को दे रहे हो? 70।
उसके बाद ये शॉपकीपर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपने आर्टिकल को 44% लॉस में सेल करता हूँ, मतलब 56. कॉस्ट प्राइस है 70, सेलिंग प्राइस है 56. कितना लॉस होगा? 20%. सर ये जो आपने तरीका किया है, इससे ऊपर वाला भी इस तरीके से करके दिखाना. तो इससे ऊपर वाला भी तो हमने इसी तरीके से करा था. एक बार करके बताओ. जैसे ऊपर हमने लिखा 100, ये भी तो ऐसे ही करा था बेटा. एक बार करके बताओ ना सर. ऊपर हमने लिखा 100, इधर हमने सीपी लिखा 30-70 हो गया, और इधर वो हो गया अपना एसपी 100 ही रहेगा. क्योंकि ये प्रॉमिस कर रहा है ना आपकी बार की, मैं जितना कॉस्ट प्राइस है उतने पे सेल कर रहा हूँ. कॉस्ट प्राइस है 100, तो मतलब सेलिंग प्राइस भी कितना होगा? 100. सर मैंने ना ज्यादा सोचा नहीं, मैंने रट लिया मेथड कि भाई 100 ऊपर करके यू करना. ठीक है, 100 ऊपर करके यू करना है. देखो रटना मत अभी, आप अभी तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है. जब आप घर पे होगे ना तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, आप समझ जाओगे. क्या कह रहे तुम? करो इस क्वेश्चन को ट्राई. यहां भी सेम 100 ग्राम आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को आप एज्यूम करो 100. सर चीटिंग में हम प्रॉफिट लेंगे लॉस लेंगे? चीटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप सेल परचेज करते टाइम चीटिंग करोगे तो आप चीटिंग किस टाइप से कर सकते हो, थोड़ा सा सोचो. या तो ज्यादा अमाउंट ले सकते हैं या कम पैसे दे सकते हैं. बिल्कुल, बाय करते वक्त ज्यादा अमाउंट लेंगे और देते वक्त कम देंगे. देखो समझो इस क्वेश्चन को. हमारे पास 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100. भाई जब भी आप किसी आर्टिकल को परचेज करते टाइम 20% की चीटिंग करोगे तो आप कैसे करोगे? भाई 20% ज्यादा लेकर आओगे ना, और अमाउंट कितना देकर आओगे? 100 ग्राम का. भाई जब आप परचेज करते टाइम 20% की चीटिंग करोगे तो आप कैसे चीटिंग करोगे? अभी देखते हैं कितना होगा. जब हम परचेज करते टाइम 20% की चीटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? 120 ग्राम आर्टिकल को लेकर आएंगे और 100 रुपीज देकर आएंगे. जब हम परचेज करेंगे और जब हम सेल करेंगे, देखो परचेज कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस, और अगर सेल करेंगे तो सेल प्राइस. अगर आप सेल करते टाइम 40% की चीटिंग करोगे तो सेल करते टाइम चीटिंग कैसे करोगे? कम देंगे. कम दोगे? कितने परसेंट कम दोगे? मानसी 40%. अगर 40% कम दोगे तो दोगे कितना? 60 ग्राम. 40% तो 120 का नहीं देंगे कम? नहीं, 120 की तो बात ही नहीं चल रही है. अभी समझो पहले कंप्लीट क्वेश्चन को. भाई हमने परचेज करा 120 ग्राम आर्टिकल 100 रुपीज का, लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तो हम 40% की चीजें म्यूट करो. आप सब दोनों म्यूट करो. अब समझो भाई 100 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100. जब आप किसी आर्टिकल को परचेज करोगे तब आप कैसे चीटिंग करोगे? भाई 20 ग्राम ज्यादा लेकर आओगे और 100 ग्राम का प्राइस दोगे, होगी 20% चीटिंग. और जब आप सेल करोगे तो आप सेल करते टाइम 40% की चीटिंग कैसे करोगे? भैया 40% कम दोगे ना, और अगर 40% कम दोगे तो फिर दोगे कितना? 60 ग्राम.
हम 40% की चीटिंग करते हैं और उसके बाद प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने आर्टिकल को 10% लॉस पे सेल करते हैं, मतलब 90 रुपीज। समझ आई दोनों कंडीशन? भाई जब हमने परचेज करा तो हमने 20% की चीटिंग करी, तो इसका मतलब आप 120 ग्राम आर्टिकल लेकर आओगे और 100 रुपीज देकर आओगे। जब आप सेल करते टाइम 40% की चीटिंग करोगे तब आप 60 ग्राम आर्टिकल दोगे और उसके बाद आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं इससे 10% कम अमाउंट लेता हूँ, मतलब 90 रुपीज लेता हूँ। फटाफट से बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, इनकी क्वांटिटी को इक्वल करोगे। आप यूं कह रहे हो कि एक ही चीज देखनी है या अमाउंट देखनी है या पैसे देखने हैं, और आप दोनों चीजें कह रहे हो, दोनों चीजें 120। इस क्वेश्चन में हमने सारी चीटिंग भी तो करी है ना। क्या डाउट है हिमांशु, बताओ आराम से बताओ, कोई गलती नहीं है। अब सर आप आराम से बताओ कि अब एक एक लाइन पढ़ के ए डिसोनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द बाइंग ऑफ। रुको, आप पढ़ो क्वेश्चन। जब आप किसी भी आर्टिकल को परचेज करते टाइम 20% की चीटिंग करोगे तो कैसे करोगे चीटिंग? 100 ग्राम है, 100 रुपीज की है, 20% चीटिंग है, यानी कि अब कैसे होगी? या तो हम 80 रुपीज दे के आएंगे उसको 100 ग्राम। बात समझो, अगर आप रुपीज की बात कर रहे हो तो उसका मतलब तो फिर आप शॉपकीपर को बताओगे ना, भाई मैंने 20% की चीटिंग करी है लगभग 80 रुपए। तो आप इतने वाले थोड़ी ना हो, अगर आप इतने वाले होते तो फिर आप चीटिंग ही करते, अमाउंट तो आप उसको पूरा 100 ही दोगे। लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी होगी उसको आप 20 ग्राम ज्यादा ले आओगे। ये बात समझ आई हिमांश? ठीक है, 120 ग्राम के 100। बिल्कुल। और जब हम सेल करेंगे, सेल करते टाइम कितनी चीटिंग करते हैं? 40%। और अगर आप सेल करते टाइम 40% की चीटिंग करोगे तो इसका मतलब आप 40% कम दोगे कस्टमर को। अगर 40% कम दोगे तो फिर कितना दोगे? 60 ग्राम। और उससे आप अमाउंट ले कितना रहे हो? 90। आप ये प्रॉमिस कर रहे हो ना कि हम 10% लॉस पे सेल कर रहे हैं, तो 10 का 10% कितना होगा? 10। तो इसका मतलब आप कस्टमर से ले कितना रहे हो? 90। समझ आए दोनों इक्वेशन? देखो आप अमाउंट में चेंज नहीं कर सकते, अगर आप उसको अमाउंट ही कम दोगे फिर क्या मतलब जो वेट है उसका परसेंट करना है। हाँ बिल्कुल, आप वेट ज्यादा लेकर आओगे। भाई आप एक बात बताओ, किसी शॉपकीपर ने आपसे ये बोल दिया कि भाई तू 1 किलो चीनी ले ले, 1 किलो शुगर का प्राइस है 40। अब आपने क्या करा, अगर आप इस 1 केजी के प्लेस पर 700 ग्राम लोगे तो आप उसको कुछ कम अमाउंट देकर आओगे, तो आप उसको अमाउंट कम थोड़ी ना दे रहे हो। उसको तो पता है कि भाई हिमांशी ने शुगर लिया और वो 40 रुपीज देगा, तो आप इधर ही तो चीटिंग कर सकते हो, क्योंकि उसको पता है शुगर का प्राइस है 40 रुपीज उससे लेने हैं। तो आप क्वांटिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बस आप क्वांटिटी को सेम कर दो। क्वांटिटी को सेम मतलब 60 में 2 से मल्टीप्लाई करो, अब 2 की मल्टीप्लाई 90 में भी करनी पड़ेगी। हमने ऐसा क्यों करा वो हम अभी देखेंगे। देखो हमने क्वांटिटी को सेम इसलिए करा, हमने ये फाइंड आउट कर लिया 120 ग्राम आर्टिकल को हमने 100 रुपीज में परचेज करा और 120 ग्राम आर्टिकल को ही हमने 180 में सेल कर दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ?
80%। हमने क्वांटिटी को इक्वल इसलिए करा, हमारे पास 120 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 और 120 ग्राम आर्टिकल का ही सेलिंग प्राइस है 180। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 180, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी 80%। बताओ आई कुछ बात समझ? यस सर, एक क्वेश्चन था कि इसमें हम 20% और 40% को प्लस नहीं कर सकते, वो दोनों चीटिंग है। तो वो दोनों चीटिंग है तो अलग अलग प्लेस पर भाई, एक चीटिंग आपने करी है जब आप परचेस कर रहे हो और एक चीटिंग आप तब कर रहे हो जब आप सेल कर रहे हो, बाकी तो दोनों अलग अलग। क्वेश्चन जरूर आएगा ये एग्जाम के अंदर। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, और अगर अब आप नहीं बताओगे कुछ भी नहीं होगा, फिर मैं बता दूंगा, लेकिन बताना चाहिए आपको। सर सबसे पहले हम आर्टिकल को लेट कर लेंगे, कितना कितना भी लेट कर लो, बिल्कुल एक्स। उसके बाद उसका 2/3 निकाल लेंगे, 2x/3 बिल्कुल। तो फिर उसमें 5% प्रॉफिट मींस 105/100। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा? यस सर। सर इसमें हम ये ना कर लें कि 300 मान लें। हाँ जी, उसके बाद 2/3 मान लो उसका, उसके बाद तो सर आपको पता ही है। बस हमें 300 मानना है, 5400 तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी ना। ओके, और बताओ कोई। अब आप ये बताओ परसेंटेज का रिवीजन करा था आपने? यस सर। वेरी गुड। अगर हम 300 के प्लेस पर 3 एज्यूम कर ले तब भी ठीक है। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन याद हो तो हमने क्वेश्चन करा था मार्क्स वाला, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस, सेकंड 40 क्वेश्चंस, टोटल 80 क्वेश्चंस, याद है ये क्वेश्चन? यस। 65 ये वही तो क्वेश्चन है। फिर अब की बार बस हमारे पास 3 persons 3 आर्टिकल हो गए, देखो ये वही क्वेश्चन है एकदम सेम। हमने देखो टोटल आर्टिकल के 2/3 को 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अगर हम टोटल आर्टिकल्स को एज्यूम कर लें 3, सपोज टोटल आर्टिकल्स है 3 और हमें हर एक आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट लेना है 13, तो मतलब हमें टोटल कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा 39। समझ आई बच्चों बात? भाई हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास टोटल आर्टिकल्स है 3 और हमें टोटल आर्टिकल्स पर ओवरऑल कितना प्रॉफिट लेना है 13%, मतलब फर्स्ट आर्टिकल पर भी 13%, सेकंड पर भी 13% और थर्ड पे भी 13%, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना लेना पड़ेगा 39%। अब देखो इसके बाद हमने 2 आर्टिकल्स को 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, इसका मतलब हमें 10 प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो गया भाई, टोटल प्रॉफिट लेना है हमें 39, इसमें से 10 प्रॉफिट तो हमें हो गया, हमारे पास आर्टिकल कितना रिमेनिंग बचा 1। आप एक छोटी सी बात बताओ, हमें इन दोनों वैल्यूज का सम करना है और हमारे को लाना है 39, तो इस आप बॉक्स के प्लेस पर जहां पर राइट है यहां कितना पुट कर सकते हो? 29, क्योंकि तभी तो दोनों का सम 39 हो सकता है ना।
और अगर आपको इधर लाना है 29, तो आप 1 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? 29%। इसका मतलब रिमेनिंग आर्टिकल्स को आपको 29% प्रॉफिट पे सेल करना पड़ेगा। आई बच्चों समझ बात? जरूर आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया 3 को 13 से? 3 को 13 से क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा भाई, 1 आर्टिकल पर 13% है। देखो हमें हमें टोटल कितना प्रॉफिट लेना है 13%। अब आप उस प्रोसेस को याद करो जो हमने उस 40-40 क्वेश्चंस वाले में करा था। हमें टोटल पर 13% प्रॉफिट कब होगा? जब हमें यहाँ भी 13% प्रॉफिट हो, यहाँ भी 13% प्रॉफिट हो और इधर भी 13% प्रॉफिट हो भाई, तभी तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट 13% होगा ना। बताओ ये बात समझ गई? फर्स्ट आर्टिकल पर हमने कितना प्रॉफिट लिया? 5। सेकंड आर्टिकल पर हमने कितना प्रॉफिट लिया? 5। भाई फर्स्ट आर्टिकल पर प्रॉफिट लेना था 13, लेकिन हमने लिया कितना? 5। रिमेनिंग कितना बचा? 1। सेकंड आर्टिकल पर भी प्रॉफिट लेना था 13, लिया कितना? 5। रिमेनिंग कितना बचा? 8। अब ये जो हमने स्टार्टिंग के 2 आर्टिकल्स पर 16 प्रॉफिट कम लिया है, अब ये इस थर्ड वाले पे तो ज्यादा लेना पड़ेगा ना, कितना होगा? 29%। अब देखो इसी प्रोसेस को हम बार बार ना लिख के हम उसको करेक्ट करते हैं। बताओ ये बात समझ आई? अब देखो इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टोटल आर्टिकल से हमारे पास 3, हमें हर एक आर्टिकल पर 13% प्रॉफिट लेना है, मतलब हमें टोटल कितना प्रॉफिट लेना है? 39%। फर्स्ट आर्टिकल पर 13, सेकंड पे 13 और थर्ड पे 13, तो हमें टोटल कितना प्रॉफिट लेना है? 39%। अब इसमें से 2 आर्टिकल्स पर हमने 5% प्रॉफिट तो ले लिया, इसका मतलब जो हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं उन पर हमें 10% प्रॉफिट तो हो गया। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 29। रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने बचे? 1। 1 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? 29 आ जाए, तो हमें कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा? 29%। अब देखो यहाँ तो आर्टिकल्स 3 थे, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्टिकल 4 भी हो सकते हैं, 5 भी 6 भी, तो वो मेथड थोड़ा सा ना दिक्कत दे सकता है आपको। सर यहाँ पर अगर जैसे 2 आर्टिकल होते बचे हुए, जैसे इसमें 1 आर्टिकल है बचा हुआ, 2 होते तब भी 29 ही आता? तब क्यों आता? तब 2 में किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जिससे हमारे पास 29 आता। बताओ बच्चे अच्छा सा क्वेश्चन समझ आया? यस सर। मतलब कि ये जो 13% ओवरऑल है वो पर्टिकुलर हर एक जो 3 हमारे पास कंडीशंस है, आई मीन आर्टिकल्स है, तीनों के 13 13 13 है। बिल्कुल, तभी तो हमें ओवरऑल पर 13% प्रॉफिट होगा। ओके ओके, बिकॉज मैं कर रहा था, मुझे लगा सर ओवरऑल ओवरऑल मींस आई मीन टोटल मिला के 13 है, आई डिडंट नो दैट पर्टिकुलरली 13 है। ओके, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ हमारे पास 5 आर्टिकल्स हो गए, प्रोसेस वो भी बहुत अच्छा है जो आपको परसेंटेज में समझाया था, लेकिन ये उससे भी इजी है। अब आप खुद से ट्राई करो,
18% 18% हमने एज्यूम करा हमारे पास टोटल आर्टिकल्स हैं 5, हमें हर एक आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट लेना है 12, मतलब हमें टोटल कितना प्रॉफिट लेना है 60%, टोटल प्रॉफिट लेना है 60%, और हमने 3 आर्टिकल्स पर कितना प्रॉफिट ले लिया 8%, इसका मतलब 18%, वेरी गुड हिमांशी, इसका मतलब 24% प्रॉफिट तो हमें हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट और कितना लेना है 36, रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने हैं 2, 2 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाएगा 18, इसका मतलब हमारा आंसर होगा 18%। बताओ बच्चों आज की क्लास में कोई डाउट? देखो इन मेथड्स को ना आप समझो, सिलेक्शन इन्हीं से होगा, अगर बच्चों आपको क्लियर है तो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय सर। हिमांशी रटना नहीं है उसको, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना सर, मतलब एग्जाम में तो हम नहीं समझ पाएंगे ना, हमें वही जो हमें पता है वही वाला करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो समझो ना, अभी तो टाइम है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एक सिंगल कॉन्सेप्ट में भी डाउट मत रखो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सर, गेट वेल सून। ओके, इतने हॉट मत बनना सर, बाय बाय बच्चों।